गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ बॉलीवुड की टॉप 5 मास्टरी थ्रिलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो हिंदी में अवेलेबल है। सो चलिए गाइस बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारी इसकी जो पहली मूवी है वह है मारीच। यह एक मास्टरी क्राइम थ्रिलर वाली मूवी है जो 2022 में आई। मूवी के लीड कास्ट में है तुषार कपूर, अनीता हंसनंदनी, नसरुद्दीन सर और राहुल देव। मूवी की अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात किया तो मूवी को आईएमडीबी रेटिंग तरफ से 9.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रमेश मी को गोल इसने 70% लाइक किया। दोस्तों इस मूवी के स्टोरी की बात किया, इसमें के अंदर हमें दिखाया गया है कि पुलिस अफसर राजीव दीक्षित और मुंबई में रहने वाली एक मॉडल और उसके दोस्त की मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें मुंबई में रहने वाली एक मॉडल और उसके दोस्त की हत्या हो जाती है और राजीव केस को जितना सुलझाने की कोशिश करता है मामला और उतना ही पे उलझने लगती है। तो जाइए और आगे की स्टोरी देखिएगा इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जमा इसके दूसरे नंबर की मूवी है दोस्तों वो है कहानी 2। यह 2016 की आई हुई मास्टरी थ्रिलर सस्पेंस वाली मूवी है। मूवी के लीड कास्ट में विद्या बालन, अर्जुन रामपाल और निशा कन्नन। मूवी की अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो मूवी को आईएमडीबी रेटिंग तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और वहीं इस मूवी को गूगल यूएस ने 78% लाइक किया है। दोस्तों इस मूवी की अगर स्टोरी की बात किया तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक माँ और बेटी सुखी से अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तभी उसकी बेटी को कोई किडनैप कर लेता है और उसकी माँ अपनी बेटी की खोज में निकल जाती है। बट ट्विस्ट तब आती है जब अपनी बेटी को ढूंढने में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ और एक नई ट्विस्ट आती है गाइस जो आप मूवी में देखेंगे। तो जाइए और देखिए गाइस वो नई ट्विस्ट क्या है। मूवी काफ़ी ज़बरदस्त थ्रिलरिंग है जो आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगी। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो हमारी लिस्ट की तीसरे नंबर की मूवी है दोस्तों वह है हल्ला हाल। यह एक मास्टरी थ्रिलर क्राइम वाली मूवी है जो 2020 में आई थी। मूवी के लीड कास्ट में है वरुण सप्ती, सन्या बंसाल और सचिन कडेलकर जैसे और एक्टर्स। मूवी की अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात किया तो मूवी को आईएमडीबी रेटिंग तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और वहीं इस मूवी को गोल इसने 70% लाइक किया है। दोस्तों इस मूवी की अगर स्टोरी की बात किया तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक मेडिकल कॉलेज की लड़की की हत्या कर दी जाती है और उसे आत्महत्या में बदल दिया जाता है और उस लड़की के पिता को पता होता है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है। इसके बाद वो लड़की के पिता अपनी बेटी की हत्या का वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जाइए और आगे देखिएगा इस क्या वो सच में एक हत्या या आत्महत्या था। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जमाल इसकी चौथे नंबर की मूवी है दोस्तों वह है मूड्स ऑफ क्राइम। यह 2015 की आई हुई क्राइम थ्रिलर वाली मूवी है। मूवी के लीड कास्ट में है आयाज अहमद, उपेका जैन और अनिमा पगरई। मूवी की अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात किया है तो मूवी को आईएमडीबी रेटिंग तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और वहीं इसी को गोल इसने 56% लाइक किया है। तो इस मूवी अगर स्टोरी की बात किया है तो इस मूवी को मैंने भी नहीं देखा है तो मैं इस मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। बट गाइस मूवी आपको बेहद पसंद आएगी, मूवी की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो जाइए और देखिएगा इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो हमारी लिस्ट की पांचवें नंबर की मूवी है दोस्तों वह है ए थर्सडे। यह एक थ्रिलर ड्रामा वाली मूवी है जो 2022 में आई। मूवी के लीड कास्ट में है यामी गौतम, अतुल कुलकर्णी और यहाँ दीपिया जैसे और एक्टर्स। मूवी की अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात किया तो मूवी को आईएमडीबी रेटिंग तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और वहीं इसी को गोली उसने 89% लाइक किया है। दोस्तों इस मूवी के और स्टोरी की बात किया तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि मुंबई के एक शहर में एक नर्सरी स्कूल की टीचर 16 बच्चों को बंदी बनाती है और उन्हें छोड़ने के लिए कुछ डिमांड्स करती है। तो जाइए और देखिएगा इस मूवी की क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगी। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।